परम श्रद्धेय भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी, भारत की इस घनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में मैं आपका राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के समापन उत्सव पर अपनी ओर से, देशवासियों की ओर से, दिल्ली वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप स्वयं भारत की संस्कृति के समर्थक, पोषक, संवाहक के रूप में बहुत बड़ी लंबी जिम्मेदारी आपने निभाई है और आज अपने बीच पाकर देश के कोने कोने से आए ये कलाकार, देशवासी, हम सब अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं कि आपने हमेशा संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी हुई सभी विधाओं, चाहे वो नाट्य हो, चाहे वो वाद्य हो, चाहे वह और कोई कला हो, हमेशा आगे बढ़कर हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया है, हम सब लोगों का उत्साहवर्धन किया है। मैं आपकी उपस्थिति को पुनः प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति से हमारे इस आयोजन का महत्व और बढ़ जाता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है और हमारे सभी उन कलाकारों का और संस्कृति मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारियों, कर्मियों का भी उत्साहवर्धन होता है। बहुत बहुत आपकी उपस्थिति का धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे संस्कृति सचिव श्री एन के सिन्हा जी, श्री एम एल श्रीवास्तव जी, श्री गौरव बंसल जी और सभी नॉर्थ जोनल कल्चरल सेंटर्स के डायरेक्टर्स, उपस्थित सभी विद्वज्जन, मातृशक्ति कलाकार बंधुओं, पत्रकार छायाकार बंधुओं, भारत की पहचान विश्व पटल पर हम कभी बिलियन ट्रिलियन डॉलर के खजाने से नहीं कर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से करते हैं। जब भी कभी वक्त आता है, ऐसे कभी भी मौकों पर हम कहते हैं मेरे पास भारत की घनी संस्कृति है, रिच हेरिटेज कल्चर मेरे पास है, पूरे भारत की एक झांकी। अभी सचिव महोदय बता रहे थे कि जब यहाँ 2000 से अधिक कलाकार देश के कोने कोने से आए, जिनकी जाति, जिनका धर्म, जिनके कोई आचार विचारों के बारे में एक दूसरे से ना परिचित होते हुए भी जब एक साथ बैठकर यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, साथ बैठकर भोजन करते थे, मैं समझता हूँ भारत की सबसे बड़ी झांकी इसी रूप में दिखाई देती है। अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज हमने प्रयास किया था कि महामहिम के पास समय थोड़ा कम था, वरना ये प्रयास किया था कि एक झांकी की कुछ झलक इन कलाकारों की महामहिम के सामने, राष्ट्रपति जी के सामने भी हम प्रस्तुत करें। पिछले 10 दिनों से आप सब लोगों की उपस्थिति और सहभागिता से आगे और प्रोत्साहन मिलता है कि इस तरह के आयोजनों को हम देश के कोने कोने में नहीं, विश्व के कोने कोने तक ले जाएं। पर्यटन जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी हुई है और ये मानते हुए कि पर्यटन देश की दिशा और दशा बदलने के लिए अकेला सक्षम है, पर्यटन आज हम विश्व का 1% से भी कम पर्यटन, 0.68% पर्यटन देश में ला पाते हैं, जबकि भारत के पास सब कुछ है, 4 खूबसूरत मौसम है, हमारे पास विश्व का 73% हिमालय हमारे पास है, 7500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमाएं हमारे पास हैं, हमारे पास मरुस्थल है, हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, हमारे पास गोवा केरल जैसे क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट जैसी खूबसूरती है, पर्यटन की दृष्टि से सब कुछ है। और उसके बाद हमारे देश के कोने कोने में, चाहे वो ट्राइबल आर्ट हो, क्राफ्ट हो, वाद्य हो, संगीत हो, नाटक हो, इन सब की एक घनी संस्कृति और समृद्ध रूप हमारे बीच में है। आज जरूरत है इस समृद्ध संस्कृति को हम देश ही नहीं, विश्व के कोने कोने में ले जाएं।
पर्यटन के माध्यम से सिर्फ एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में जाना नहीं, सिर्फ एक देश से दूसरे जेने में जाना नहीं, बल्कि भंवरे की तरह से जिस तरह पराग कण लेकर वो एक फूल से दूसरे फूल तक जाता है, तो अपने साथ उन पराग कणों को भी लेकर चला जाता है। हम अपनी इस घनी संस्कृति को भी एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने का काम करते हैं। आइए संकल्प लें कि भारत की घनी संस्कृति और समृद्ध विरासत को हम संजो कर रखेंगे, संवहन करेंगे, पोषण करेंगे और अपने इस देश के कोने कोने के अंदर, भारत का 70% हिस्सा अभी भी गांव में रहता है, ट्राइबल एरियाज में रहता है, हम इनका सम्मान करें। संस्कृति मंत्रालय ने अपने इस प्रयास के माध्यम से सारे जोनल कल्चरल हमारे सेंटर, सातों जोनल कल्चरल सेंटर्स के माध्यम से इन छोटे छोटे कलाकारों को एक मौका दिया है देश की राजधानी के अंदर अपनी कला का प्रदर्शन का, अपने आर्टिस्टों का, अपने क्राफ्ट्समैन की बनाई हुई चीजों का यहाँ विक्रय भी संभव हुआ है। अब इस आयोजन को, इस महोत्सव को देश के अन्य कोनों में बनारस, बंगलौर, जम्मू कश्मीर, तवांग तक लेकर जाने का प्रयास है और विश्व भर में तो इस तरह की हम आयोजन करते ही रहते हैं। आप सब लोगों की सहभागिता हमें और प्रेरित करती है कि किस तरह से हम भारत की इस घनी संस्कृति को विश्व के सामने, देशवासियों के सामने शोकेस कर सकें। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और पुनः महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि आपकी उपस्थिति ने हम सबको प्रेरित किया है, हम सबका उत्साहवर्धन किया है। धन्यवाद। I'm very happy to be present amidst you this evening at the conclusion of the 10-day cultural festival Rashtriya Sanskriti Mahotsav, organized by the Ministry of Culture and its constituent centers and academies. The festival has a very noble objective, and that is to celebrate the spirit of tradition, culture, heritage, and diversity of our great nation. I compliment Dr. Mahesh Sharma, Minister of Tourism and Culture, under whose dynamic leadership this festival has been conceptualized and organized. Congratulations to him. The 7 zonal cultural centers, the academies, and the other institutes under the Ministry of Culture are playing an important role in preserving and promoting our unique cultural heritage. These organizations are doing commendable job in sustaining and encouraging the cultural traditions at the grassroots beyond the confines of the auditoria and art galleries. I am happy to learn that this festival has provided opportunities to more than 2,500 artists to demonstrate their art and craft. By encouraging artists, artisans, and craftsmen, this platform has helped in uplifting their livelihood while inspiring many others, such talented and skilled personalities. Distinguished guests, ladies and gentlemen, India has a rich and unique heritage of art and culture, comprising classical music, traditional and tribal music and dances, modern fusion music, instrumental music, music, fine arts, ragas and rasas have been an integral part of our cultural life. These elements have all played an important role in our spiritual rejuvenation. By showcasing the composite Indian traditional art and culture, including different folk dances, this festival has achieved a very important objective.
from the nationalistic point of view, integration through diverse cultural tradition. On this occasion, I pay my tribute to our great artists, musicians, classical singers, Shehnai Badaks, and flutists for their contribution to the national cultural heritage. Distinguished guests, ladies and gentlemen, culture defines people. Culture comprises the practices of people, identifying their shared goals and values. A flourishing culture also propels creativity in the people, leading to development on all fronts. India may be a young nation, but it is an old civilization dating back to a few thousand years. The accumulation of cultural wealth over the millennia is immense. At the same time, there has been assimilation of ideas and values. This has resulted in a nation which is diverse and represented by plurality in culture. India is a multifaceted nation. 1.3 billion people, 122 languages, 1600 dialects, 7 religions, and yet existing under one system, one flag, one constitution, one type of administration. Pandit Nehru once observed, and I quote, "It's a country held together by strong but invisible threads." In a pluralistic society, the values of tolerance, respect for contrary views, and patience are essential in our citizens, particularly the youth. Pluralism and tolerance have been the hallmark of our civilization. This core philosophy must continue unabated, for India's strength lies in our diversity. Distinguished guests, ladies and gentlemen, diversity, of course, is a double-edged sword. If all of us, or majority of us, work together in harmony with the unity of purpose, we can achieve tremendous heights as a nation. However, if different strands pull apart in different directions, it will only negate the good. India has always stood out as a beacon of harmonious coexistence in front of the world, where in many parts people are fighting people to launch further into darkness. Let our diversity continue to be our strength. We can thrive on our plurality if there is greater understanding and appreciation among our countrymen about each other's culture, tastes, and habits. Physical distances should not be allowed to come in the way of our citizens engaging with one another in the field of culture. The more the exchanges and the interactions between our people, the greater will be the knowledge and understanding of one another. Particularly, the youth of our country, the internet generation, who are also
exposed to the world outside must know and learn to value their own roots. It is particularly relevant as there is growing inquisitiveness in the Western world and outside about the ancient Indian culture, which is a rich source of spiritual inspiration. This cultural festival has boosted our efforts to reconnect our youth to their roots and India's rich cultural heritage. I wish all success of these efforts. Ladies and gentlemen, art and culture not only bind a nation together, but also promote cultural harmony and national unity. This festival has provided a forum for representing each and every dimension of our cultural tradition and showcasing it to the nation. The Rashtriya Sanskriti Mahotsav, to my mind, translates the ideal of unity in diversity in action. I compliment everyone associated with this Mahotsav for its very successful organization. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind.